बदायूं में बंधक बनाए गए एक युवक को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। पूछताछ करने पर परिजनों ने बताया कि अचेत युवक धर्मपाल रोहतक में काम करने गया था, जहां उसके पड़ोसियों ने उसे कमरे में बंद कर लिया और धमकी दी, जो करना है कर लो। जिसकी सूचना मिलने पर परिजन रोहतक पहुंचे, जहां उनका पुत्र उनको मिल गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। इनका परिवार गांव रिसोली थाना बिलसी का रहने वाला है। फिलहाल युवक को पड़ोसियों ने बंधक क्यों बनाया, ये तो युवक के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन परिजनों ने कार्रवाई करने की बात कही है। बेटा भाई कमरे में हो, उसे ही निकाब कर दिया और मार तोड़ पीट करके और चला गया ने कौन कौन गायब कर दिया। तो ये गायब जो कराया, ये कहाँ से कराया गायब? रोहतक से, हरियाणा से गायब कर गया। तो हम लोग बूझे निकल गए, हमने की भाई हमारा बेटा कहाँ है। तो जो लोग हमसे बोले जा, हमें ना पता तेरा बेटा फेटा, हमें कहा पता है, और देखो जा कर मेला सो कर लिए जा। ये कौन लोग बोले ये बात? हमारी बिरादरी, हमारे मोहल्ला का, मोहल्ला के लड़के जी। हाँ, मोहल्ला का लड़का का शादी शुदा लाग। तो ये आपको अभी जो बच्चा मिल गया है, ये कितने महीने बाद मिला है आपको? 4 महीने बाद के। 4 महीने बाद? हाँ। तो ये केस जो है बदायूं पुलिस, हरियाणा पुलिस ने दोनों ने सॉल्व किया है? हाँ, जिन दोनों लोगों ने, जैसे दरोगा जी बिंसी के चौकी के नए दरोगा जी सोली के, इससे किया कि हमारा बेटा का तुझे जगह दे, हमें नहीं पता तो बेटा जो तैसे जब इनको दो दबेश पर। तो अभी इसकी कोई चोट वगैरह तो नहीं आई है? अब पता ही पता ना है, हम तो ऐसे ही लाए हैं।